कोरोना काल में गांधी वाड्रा कांग्रेस का काम सिर्फ राजनीति करना है। राहुल गांधी लॉकडाउन से लेकर चीन विवाद तक घटिया सियासत कर रहे हैं, तो सोनिया गांधी बात बेबात पीएम मोदी को चिट्ठी लिखती हैं। अपने ताजा पत्र में सोनिया गांधी ने तेल की कीमतों को कम किए जाने की मांग की, लेकिन अगर सोनिया गांधी की ये मांग तभी सही समझ में आती जब वे कांग्रेस शासित राज्यों को वैट कम करने के लिए लिखती और उनसे कीमत कम करवाती। हकीकत तो ये है कि पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र की सरकारों ने तेल पर मनमाना वैट लगाकर मोटी कमाई की है। सोनिया गांधी के पत्र से तो यही लगता है, क्या कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की बात नहीं मानते? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि पंजाब, राजस्थान, पुडुचेरी में कांग्रेस की अपनी और महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है। इन राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर वैट और सेस ज्यादा होने के कारण लोगों को प्रति लीटर अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। राजस्थान, पंजाब और पुडुचेरी महाराष्ट्र की सरकार पेट्रोल और डीजल पर ज्यादा वैट लगाकर करोड़ों रुपए की कमाई कर रही है। कोरोना संकट काल में कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण इन राज्यों के लोग परेशान हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने मुख्यमंत्रियों की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख रही हैं। सोनिया गांधी ने अपने मुख्यमंत्रियों की जगह प्रधानमंत्री मोदी से बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग की। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि ऐसे वक्त में जब लोग संकट में हैं, तब इस तरह का दाम बढ़ाना उन पर और भी संकट डाल रहा है। ऐसे समय में सरकार का फर्ज बनता है कि लोगों के संकट को दूर किया जाए। अगर कांग्रेस अध्यक्ष अपने मुख्यमंत्रियों को इस तरह का पत्र लिखकर दाम कम करवाती तो आम लोगों को कुछ ज्यादा फायदा भी होता। लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम पर दोहरा रुख अपनाते हुए सोनिया गांधी केंद्र सरकार को पत्र लिख रही हैं। मंशा साफ है, कोरोना काल में भी राजनीति।